हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार और मैं अभिषेक और मैं सूरज कुमार द हैंडसम। ओ अब देखो, जिसको लगेगा वो मानेगा। तो आप बहुत टाइम से आ चुका है, एक ओडिया फिल्म है जिसका नाम है दमन। बहुत ही रिक्वेस्ट और बहुत ही कमेंट आ रहे थे हमें कि उस पर रिएक्शन दीजिए या मूवी रिएक्शन दीजिए, तो हमने सोचा कि चलिए आज पहले ट्रेलर देख लेते, फिर कल तो मूवी रिलीज होने ही वाला है तो जाएंगे देखने, तो उससे पहले हम ट्रेलर देख लेते। चलो शुरू करते। जवान पिला तुम्हें नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करो, अरे नुआ लोक संग्रह मिस को ओडिशा बाहर को पठो जनते व्यस्त हो जाओ, जाओ मजा नुआ मजा करो। सर 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 ये भाई भी देखिए, चलो देखिए। अरे इंती का ठहर पाखा गए रे कोड़ी बोले नहीं वो नेटवर्क धर सर को उठा भी आसुनी क्या बात तो नहीं नेटवर्क पड़ा मशा कामुड़ी बोली महात्मा गांधी एकलाचार नीति धरते से आगे आगे जाते समस्ते फॉलो कर मन अच्छे सर शहे एक गाँ सर बहुत भितर को जी को पड़ो सर पाती पाती डर सर मनीषर सब बड़ शत्रु किए जान डर यू नो ओडिशा इज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर इन मलेरिया केसेस गोटे मशा एंटायर डिपार्टमेंट को बदनाम कर सी चारी कंध पाली के रे जीवन परदा कहरे ड्यूटी लोक मान जीवन बचा लोक मान सुरक्षित शुवा निद रु उठे पड़े मत इमिडिएटली ये मालकानगिरी हॉस्पिटल पहुंचा दरकार हॉस्पिटल पहुंचा रास्ता नहीं पहुंचे कमी मैंने गोटे जगह पढ़ी थी सर गोटे भल डॉक्टर रोग को ठीक करे कि गोटे महान डॉक्टर रोगी को ठीक करे सीधा धीरे धीरे काफी इंटरेस्टिंग गया स्टोरी दिख रहा है, ट्रेलर से छलक रहा है कि बात तो है फिल्म में नजर आ रही है। स्लोली स्लोली वो पेस पकड़ा था वो फिर वो म्यूजिक आता है। अच्छा अच्छा था। मैंने सुना है कि जो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री है वो भी थोड़ा भोजपुरी टाइप है और वहाँ पर एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसके लिए ये बहुत तेज़ी से मतलब इतना नाम कमा रहा है और तेज़ी से इस साइड आया है। अब मुझे कमेंट में भी वही आ रहा था कि फर्स्ट टाइम हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो दिख भी रहा है यार, दिख भी रहा है, वो लग भी रहा है, वो फील भी आ रहा है कि कुछ आगे या एंडिंग में कुछ तो एक मज़ेदार कुछ होने वाला है। वो जैसे वो गांव के गुंडे वुंडे टाइप है, देख वो लोग इसको रोक रहे हैं और ये लोगों को बचाने के चक्कर में है, एक इंटेंस क्रिएट एक इंटेंस था और वहाँ पर एक वो भी है ना कि वो लोग बिलीव कर रहे हैं सुपरस्टिशंस में, वो लोग जो है वो लोग को लग रहा है कि अगर कुछ हुआ बीमार इंसान होता है तो उसको भूत प्रेत या उससे ठीक करेंगे, लेकिन ये डॉक्टर है पढ़ा लिखा वो मानता है कि सिर्फ एक मच्छर के कारण ये सब घूम रहा है कि तुम लोग को लग रहा है कि कोई आएगा इनको बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये शायद वहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हो सकता है या तो अब वो तो फिल्म कल आएगा तो पता ही चलेगा, लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर कोई फिल्म अपने लैंग्वेज में बनती है और उसके बाद सब बोलते हैं कि इसको डब करके दूसरे लैंग्वेज में लेके जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये तो है। अब मैं प्रोग्राम बनाया हूँ देखने का ये फिल्म को, तो मैं तो आप लोगों का मैसेज तो मेरे को पूरा इंस्टा सब भर गया है मेरा, मुझे मेल्स भी आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे मेल्स आ रहे हैं एंड ये काफ़ी रिवाइव करेगा आप लोगों के इंडस्ट्री को। तो
आप लोग खुद इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे वो कन्नड़ा ऑडियंस की वाइब आ गई कि कैसे कन्नड़ा ऑडियंस अपनी फिल्म को अपने स्टेट के बाहर भेजती है लोगों को और बोलती है कि देखो देखो, वैसे यहाँ पे भी होता है। तो ये मेरे को एक अच्छा लगा कि यार आप लोग अपनी फिल्म को लेके इतना सीरियस हो गए जैसे आपके खुद के घर की फिल्म है, तो वो मुझे बहुत ही अलग वाइब दिया मेरे को। मतलब ऐसा लगा कि यार फिर क्यों ना मैं देखूँ। पूरे मुंबई में सिर्फ और सिर्फ 2 थिएटर में लगा है और कल के दिन पे दुनिया भर के फिल्में, ऊंचाई, यशोदा, ओ माय डार्लिंग, फिर बाद में एक्शन एन एक्शन हीरो का थ्रिलर भी आ रहा है। सो शायद कल थोड़ा सा मेरे को टफ पड़ जाए देखने को, क्योंकि कल मैं शायद ना जा पाऊँ, लेकिन परसों मैं देखने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कोशिश करूँगा, क्योंकि यार नज़दीक में नहीं लगाए कहीं, नज़दीक में भी नहीं लगाए एंड प्लस ऑडियंस नज़र नहीं आ रहे वो थिएटर में। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुंबई में जहाँ भी लगाए मैं पहुँचूंगा, देखूंगा, पूरी ट्राई करूंगा। एंड ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग है। और एक मेन क्या चीज पता है क्या, एक प्राउड मूवमेंट होता है, जैसे कि कन्नड़ा इंडस्ट्री से आए कांतारा, तो उनके जो लोग है वो प्राउड फील करते कि हमारे इंडस्ट्री से आए। अब ये ओडिया इंडस्ट्री से आया तो वो लोग के लोग फील कर रहे हैं कि अरे यार हमारे इंडस्ट्री से आया। फिर उसके बाद आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जो हमें प्राउड करने पर मजबूत कर देता है, जिसका नाम है बैडेस रवि कुमार। अब वो इस तरह से आया कि उसका जो एक वॉकिंग स्टाइल है वो पठान फिल्म के दीपिका पादुकोण ने कॉपी कर लिया। तो ये देखिए ड्रेस के साथ, तो मतलब हमें भी ऐसा लगना चाहिए ना कि हम भी कहीं पीछे नहीं है। तो है कि कोई भी स्टेट से आए मूवी अगर वो अच्छी रहती है तो छाप छोड़ी देती है। हाँ, वो तो है ही है। ये ओडिया से आई मूवी गेम चेंज कर पाती कर है, क्योंकि कल बड़ी बड़ी वैसे तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्क्रीन के काफी मारा मारी है, तो जिस हिसाब से इसको शोज मिल भी रहे तो एक ही दो मिल रहे, वो भी पूरे पूरे सिटी में। हाँ, तो वो थोड़ा अपने आप में वो एक बात है। बट एक है कि अगर चले तो बात बने भी, देखते क्या इंपैक्ट। हाँ, वो इंपैक्ट पड़ना तो चाहिए, बट ये उनकी पहली कोशिश है, तो मेरे को एक अच्छा लगा कि यार, क्योंकि इससे पहले तो मैं ओडिया इंडस्ट्री के बारे में ही नहीं जानता था कोई भी, सच्ची बोलो तो नहीं जानता था ऐसी इंडस्ट्री। हाँ, अब ये एक फिल्म इतना प्रभाव डालती है बाहर के लोग जो ओडिया के बाहर है, तो उनको ऊपर इतना प्रभाव डालते, तो भाई बहुत बड़ी बात है ये। इनके मेकर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग अपने ऑडियंस को बहुत बड़ा दे दिए। आज के टाइम पे कंटेंट अगर कहीं अच्छा निकल रहा है तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना ले रही है पब्लिक में आने के लिए। बड़ी बात है यार, जितने लोग देख पाए उतनों पे ही इंपैक्ट छोड़ दिया ना, फिर भी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। बहुत वैसे ऐसे ही अभिषेक एक फिल्म आई थी आमिस करके, वो इनके साइड की फिल्म थी, क्योंकि बहुत ही डेंजर फिल्म थी, बहुत ही शॉकिंग फिल्म थी। वो मैं देखा था ना, मैं कुछ कम से कम 3-4 दिन नींद नहीं आती। और वो फिल्म में स्टार्टिंग में कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं फिल्म में, कुछ है ही नहीं विथ, मतलब ऐसा समझो फिल्म बनाने के लिए खर्चा भी नहीं किया, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब ना प्रोडक्शन का उसमें है ना कुछ, आप बोलोगे जीरो है, लेकिन फिल्म की कहानी जो थी ना, जो भी देखे ना आदमी घायल हो जाए, बोले कि ये क्या फिल्म है, ये क्या फिल्म है ये। एंड दमन, ये जब मैं देखा ना तो मुझे आमिस का वाइब आया कि मतलब यार ये वैसे ही लग रहा है, कुछ वैसा ही लग रहा है। एंड अगर वैसा निकला तो फिर ये फिल्म हर एंगल से हर एक लोगों का सपोर्ट डिजर्व करता है, इसको सपोर्ट करना बनता भी है। और ये हमारा ट्रेलर रिएक्शन रिव्यू करने का मकसद यही था कि हम एटलीस्ट अगर हम ना देख पाए बाय चांस, तो यार और भी कोई लोग देख ले जो हमको देखते, तो वो देखे अगर उनके सिटी में पॉसिबल है तो वो देखे। बट हम तो पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, समझे, हम भी खुद सीरियस है इस फिल्म को लेके जितना आप लोग सीरियस है। हमारे यहाँ का इशू क्या है कि अगर हम यहाँ से कहीं दूर जाते देखने और बाय चांस वहां पर पब्लिक नहीं आए तो शो कैंसल, शो कैंसल, कभी कभी सब टाइटल नहीं रहता, तो सबसे बड़ा इशू है हमारा। ऐसा हमको वापस से 100-100 किलोमीटर ट्रेवल करके वापस आना ही पड़ा है वापस से, तो कुछ होता नहीं है कभी कभी। बट कहा जा रहा है कि सबटाइटल है, तो भाई एक सुकूनदायक चीज तो है। अब हमारा मोटिव तो यही रहेगा कि हम जितने लोगों तक ये मूवी पहुंचा सके। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप भी शेयर उनसे करो कि जो अगर बहुत टाइम से अच्छी फिल्म नहीं देखा, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है, रिलीज हो चुकी है जिसका IMDb रेटिंग भी 9.8 है, तो यार जाहिर सी बात है ना कि आप जिसको शेयर करोगे वो भी अवेयर हो जाएंगे और धीरे धीरे पब्लिक जाएगी थिएटर। अगर एक बार थिएटर भरना शुरू हो गया ना तो किसी भी चीज को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है इस फिल्म के बारे में। वर्ड ऑफ माउथ से खेल लेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को बताएंगे कि भाई अच्छी पिक्चर है, तो प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं, हमें भी रिव्यू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ऑटोमेटिकली थिएटर पहुंच जाओगे। तो इसके लिए हमने ट्रेलर का रिएक्शन दिया है कि आप पहले से ही अवेयर हो जाओ और ये देखने जरूर जाओ। अगर आपके नजर कल आ रही है, ये कल आ रही है, कल रिलीज हो रही है बाकी सब स्टेट में भी, तो कल प्लीज आप लोग जाना
ट्रेलर हमें काफी सिंपल लगा है, आगे जाके इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग लग रहा है एंड रियल स्टोरी है तो एंड वो रियलिज्म दिख भी रहा है इसके अंदर, वो दिखा वो दिख रहा है 151 विलेजर्स को किस तरह से बचाता है वो दिख रहा है पूरा, तो उसको काफी ये लोग ने रॉ रखा है रियल रखा है तो वो काफी ऐसा लग रहा है कि फिल्म देखने काफी मजा आएगा एंड ऐसे काइंड ऑफ फिल्म देखने तो बहुत ही मजा आता है, बहुत मजा आता है। ट्रेलर में बहुत इंप्रेस, हाँ कुछ ड्रामेबाजी दिख नहीं रहा ट्रेलर में, सिंपल एकदम अपने ट्रैक पे जा रहे हैं। ये रहा हमारा रिएक्शन, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ कि वो जाके फिल्म को देख सके और फिल्म को भी जरूर सपोर्ट कीजिए। अगर उससे पहले आपको रिएक्शन पसंद आया तो इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ऐसे हमको और भी रिएक्शन लाने चाहिए। और भी हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता दीजिए, देखिए आपने मैसेज किया तो हमने रिएक्शन ला दिया तो हम वहां पर रिप्लाई भी देते हैं और हमारे शॉर्ट्स भी है बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे डाले, वहां पर भी जाके हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय।